असर कोरोना की फिर से लहर आ रही है, कितना हरियाणा तैयार? पूरी तरह से तैयारी है हमारी, और पिछले जो लहर आई हैं उनसे अनुभव लेते हुए सबसे ज़्यादा दिक्कत तो टेस्टिंग की थी। हिंदुस्तान में सारों को पूना जाना पड़ता था हाँ टेस्टिंग सही बोल कराने रहे के हैं। लिए। अब RT-PCR मशीन मैंने हर ज़िले में लगा दी है हरियाणा के। शुरू शुरू के केसेस हमने भी पूना भेजे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स भी सफिशेंट मात्रा में हैं। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, तो अब हमने हर 50 बेड से अबव का जो अस्पताल है उसमें PSA प्लांट्स हमने लगा दिए हैं। ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। मेडिसिन्स भी हमने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक्स हैं। सभी तरह से हम तैयार फिलहाल हरियाणा के लोगों को डरने की जरूरत तो नहीं? हैं। नहीं, किसी प्रकार का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो कोविड से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, वो सबको लिए आवश्यक है, और वो स्वयं से लोगों को पालन करना चाहिए। सर केंद्र की गाइडलाइन आएगी तो लागू पूरी तरह से वो होगी? कोई भी केंद्र की गाइडलाइन आएगी उसको पूरी तरह से हमारे प्रदेश में लागू किया जाएगा। ठीक है सर। असर कोरोना की फिर से लहर आ रही है, कितना हरियाणा तैयार? पूरी तरह से तैयारी है हमारी, और पिछले जो लहर आई हैं उनसे अनुभव लेते हुए सबसे ज़्यादा दिक्कत तो टेस्टिंग की थी। हिंदुस्तान में सारों को पूना जाना पड़ता था हाँ सही टेस्टिंग बोल कराने रहे के हैं। लिए। अब RT-PCR मशीन मैंने हर ज़िले में लगा दी है हरियाणा के। शुरू शुरू के केसेस हमने भी पूना भेजे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे हाँ पास वेंटिलेटर्स भी सफिशेंट मात्रा में हैं। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, तो अब हमने हर 50 बेड से अबव का जो अस्पताल है उसमें PSA प्लांट्स हमने लगा दिए हैं। ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। मेडिसिन्स भी हमने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक्स हैं। सभी तरह से हम तैयार फिलहाल हरियाणा के लोगों को डरने की जरूरत तो नहीं? हैं। नहीं, किसी प्रकार का पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता जो कोविड से बचने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, वो सबको लिए आवश्यक है, और वो स्वयं से लोगों को पालन करना चाहिए। सर केंद्र की गाइडलाइन आएगी तो लागू पूरी तरह से वो होगी? कोई भी केंद्र की गाइडलाइन आएगी उसको पूरी तरह से हमारे प्रदेश में लागू किया जाएगा। ठीक है सर।